नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट ओम प्रकाश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सऊदी जा रहे हैं या सऊदी वीजा चेक करना चाहते हैं या सऊदी का इकामा चेक करना चाहते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप कैसे चेक करेंगे, किस तरह से आपको चेक करना है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और अगर आप इकामा का एक्सपायरी डेट भी चेक करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में हम सारी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं आपको सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच सके। दोस्तों, अब हम आपको कंप्यूटर पे ले चलते हैं और आपको वहां पर बताते हैं कि आपको कैसे चेक करना है और क्या क्या चेक करना है। तो बस बने रहिए वीडियो के साथ, आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और हम आपको बताएंगे अभी इस वीडियो में आपको कैसे सऊदी का इकामा या सऊदी का वीजा या उसकी एक्सपायरी डेट कैसे चेक करेंगे। तो आपको गूगल पर जाने के बाद में यहां पर सबसे पहले टैप करना है सऊदी वीजा चेक, ये आपको लिखना है गूगल पर। उसके बाद में जो यहाँ पर फर्स्ट में वेबसाइट आ रही है www.eserbe.com.sa, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। वीजा वैलिडिटी चेक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में है, हो सकता है अरबी में आपके सामने आए, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर जो राइट साइड में देख लीजिए, ये यहाँ पर जो है ये इंग्लिश है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना, उसके बाद में इंग्लिश हो जाएगा। अभी यहाँ पर इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर वीजा वैलिडिटी लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर प्लीज चूज द फर्स्ट वैल्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, इकामा या वीजा, जो भी आपके पास है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हमको वीजा चेक करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे आप इकामा नंबर या वीजा नंबर या पासपोर्ट नंबर या नेम या डेट ऑफ बर्थ या इकामा एक्सपायरी डेट या वीजा एक्सपायरी डेट, जो भी आपके पास है इसमें से आपको डालना है। अब यहाँ पर आपको वीजा नंबर डालना है, उसके बाद में सेकंड में जो भी आपके पास है यहाँ पर नेम डाल सकते हैं नीचे में, वीजा नंबर उसके बाद में नेम डालने के बाद में आप चेक करने पर जो जहाँ पर चेक लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, जब आप यहाँ पर वीजा नंबर और अपना नाम डाल देंगे, उसके बाद में आपको नीचे जो चेक लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने सारी जानकारी निकल कर आ जाएगी। दोस्तों, उसके बाद में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और लोग अपने वीजा और इकामा की वैलिडिटी चेक कर सकें। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और लास्ट में हम ये बता देते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।